उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर पूरे देश में ही गुस्सा देखने को मिला। बॉलीवुड के अभिनेताओं ने भी इस बात को लेकर अपनी राय रखी है। प्रीति जिंटा ने सवाल खड़े किए, रेपिस्ट का चेहरा क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, छिपाया क्यों जा रहा है, इसे सबको दिखाना चाहिए। तो वही करीना कपूर ने कहा है कि 12 साल बाद वही कहानी फिर आ गई। उसी तरह विरोध हो रहे हैं लेकिन अभी भी बदलाव का इंतजार। परिणीति चोपड़ा ने कहा है कि उन्हें तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए जो आरोपी हैं, जबकि आलिया भट्ट ने कहा कि एहसास का एक दिन महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं, जबकि ऋतिक रोशन ने लिखा है कि ऐसी सजा मिले कि अपराधियों के अंदर डर पैदा हो, हमें यही करना चाहिए। जेनलिया ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि राक्षसों को फांसी पर लटका देना चाहिए। आयुष्मान खुराना ने तो सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हुए एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोता हूं, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते हैं सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती है तो मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती, झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता उसकी नजर भी कितनी पाक होती, काश मैं एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती शायद आज मैं जिंदा होती। और जयपुर के एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट्स की स्ट्राइक जारी है। रेजिडेंट्स एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता रेप हत्या मामले से जुड़ी यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का आईएमए ने भी देशव्यापी हड़ताल का इस दौरान ऐलान कर दिया है। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हत्या को लेकर राजस्थान के तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स में जबरदस्त आक्रोश है और उसके बाद जिस प्रकार का घटनाक्रम कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुआ उसके बाद एक बार फिर जो है वो जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर रेजिडेंट डॉक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि जमकर नारेबाजी और जबरदस्त रोष उनमें दिख रहा है। जबरदस्त तरीके से ये ओपीडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं तख्तियों पर किस प्रकार का लिख रखा है, हर बेटी की सुरक्षा और देश की जिम्मेदारी, इस प्रकार के स्लोगन के साथ ओपीडी में प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर से उनसे बात कर लेते हैं, किस प्रकार की नाराजगी है आप लोगों की और ये कब तक आंदोलन चलेगा? जो हमारे साथी रेजिडेंट के साथ जो घटना हुई है, जब तक उनके हत्यारों को फांसी की सजा और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो जाता तब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा कंटिन्यू। लेकिन ये तो एक लंबी प्रक्रिया है, ऐसे में राजस्थान के मरीज जो है वो सफर कर रहे हैं, कम से कम हत्यारे पकड़ में तो आए, अभी तक वो भी नहीं पकड़े गए हैं और कम से कम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का हमें रिटर्न में आश्वासन चाहिए। अगर ये हो जाता तो आप लोग आंदोलन खत्म कर देते? बिल्कुल, उसके बारे में सोचेंगे। जब तक रिटर्न में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता जब तक कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोटेस्ट चलता रहेगा। आप लोगों का क्या लगता है, आपको सेफ महसूस नहीं होता अस्पताल में? इसको बताने की जरूरत क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने है, जो 36 घंटे आपने डेडिकेशन से ड्यूटी करी है, जिन मरीजों के इलाज के लिए करी है, उसी हॉस्पिटल में उसके साथ ऐसा हुआ। अगर वो घर पे होती तो किसी की हिम्मत होती या कहीं और होती तो किसी की हिम्मत होती, उसके तरफ आग उठा कर भी देख ले, पर लोगों को ये सुरक्षित लगा हत्यारों को कि यहाँ हॉस्पिटल आने दो फिर उसके साथ ये करते हैं। मतलब लोगों की सोच इस हद तक बढ़ गई कि ड्यूटी प्लेस पे वो लोग कुछ भी कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। सुरक्षा कहाँ हुई? सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर पेशेंटों को इलाज चाहिए तो ऑब्वियसली पहले सेफ्टी होनी चाहिए, उसी के बाद तो हम इलाज दे पाएंगे। हम हमारा बेस्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जनता से चाहते हैं कि वो भी हमारे समर्थन में आए। तो देखिए जबरदस्त आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इन लोगों का कहना कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा और इस आंदोलन के जारी रहने से ना सिर्फ अस्पताल बल्कि इसके
हटे तमाम अस्पतालों में कामकाज जो है वो प्रभावित हो रहा है और अब सेवारत चिकित्सक ने भी आज एक घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया है। ऐसे में जल्द से जल्द अगर इस पर सही तरीके से कार्य नहीं हुआ तो मरीजों की दिक्कतें जो है वो और बढ़ सकती हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान।